पौड़ी के बस अड्डे के, तो जिस जिसको यहाँ जो आ चुका है वो कोर्ट, यहाँ का जो हाई कोर्ट का रास्ता है नीचे। हाई हॉस्पिटल के पास से पौड़ी का कुछ ऐसा व्यू दिखता है, तो यहाँ से अभी चलते हैं नीचे की साइड। ये वो दिख रही है और इधर की साइड चले जाता है। तो फाइनली दोस्तों हम हैं पौड़ी में, और पौड़ी में काफी ठंडा एनवायरनमेंट हो रखा है। ये होने वाला है साल का एंड और जगले वाला है जनवरी 2024। तो आप सभी को 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। पौड़ी का बाजार काफी चेंज हो चुका है, और खबरों में भी एक बात आ रही थी कि जो पौड़ी का बाजार है ना, 20 साल बाद वहाँ का फाइनली जो बस स्टैंड था तो वो बन चुका है। तो वहाँ का बस स्टैंड भी देखेंगे, और जब पौड़ी का बाजार होगा वो भी आज आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं पौड़ी के बाजार पे। ये रहा आपके पौड़ी का धारा रोड, यहाँ से लग जाता है, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है यहाँ का पौड़ी का। ये है धारा रोड कहते हैं इस रोड को, जस्ट बस अड्डे से पास से लग जाएगा ये आपका रोड, और इसी के पास बन रखा है ये पौड़ी का बस अड्डा ये वाला। तो अभी इसके ऊपर जाके देखेंगे थोड़ी देर। तो यहाँ पे मैं पौड़ी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आ गया था, और ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास से पौड़ी का कुछ ऐसा व्यू दिखता है, तो यहाँ से अभी चलते हैं नीचे की साइड। तो यहाँ पे है पौड़ी का नया बस अड्डे का एंट्रेंस, और इस एंट्रेंस में जो यहाँ पर के लोड लिमिट लिख रखी है, हाइट लिमिट लिख रखी है, सब लिख रखा है एंट्रेंस पे। तो अंदर जाके देखते हैं कैसा व्यू है, चलिए। तो फाइनली बन चुका है ये पौड़ी का बस अड्डा, और अभी यहाँ से के अंदर गया मैं पहली बार, तो कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ से। और काफी बड़े पैमाने में बना रखा है पूरा, मतलब एक रोड कवर कर रखा है इन्होंने यहाँ पे। ये पौड़ी का बस स्टैंड है, और उधर की साइड यहाँ के पुलिस चौकी पड़ जाती है पौड़ी की, और यहाँ से चला जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का रास्ता इधर से, और कैंपस पड़ता है जो BGR, यहाँ से उसका रास्ता पड़ता है, और वो रही पुलिस की चौकी यहाँ पे। और यहाँ पे पार्किंग लगा रखी है कार्स के लिए, यहाँ पे टन जैसे 5.5 टन तक का यहाँ पे वेटेज लगा था, और ये स्टेशन पूरा, और यहाँ से पूरा पौड़ी दिख रहा है। ये नीचे जो श्रीनगर के लिए रोड चले जाती है यहाँ से, ये वो दिख रही है, और इधर की साइड चले जाता है कोर्ट, यहाँ का जो हाई कोर्ट का रास्ता है नीचे, हाई कोर्ट नहीं सॉरी, यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यहाँ से नीचे की साइड चला जाता है रास्ता। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा बना रखा है, भले इतने टाइम बाद बना लेकिन काफ़ी अच्छा बन रखा है। तो फाइनली ये रहा पौड़ी के बस अड्डे पे भी हम खड़े हैं। तो आप बताना, पहले एक पूरा राउंड मार के देखिए यहाँ से कैसे नज़ारे आ रहे हैं पौड़ी के बस अड्डे के। तो जिस जिसको यहाँ जो आ चुका है वो देख ली, जो नहीं आया मतलब वो देख लीजिए, जो आ चुका है वो तो यहीं देखते रहेंगे इस बस अड्डे को अब सालों साल ही। और बनाए देर लगी लेकिन अच्छा बनाए, इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी। तो देखिए और बताना कैसा लगा। ठीक है, ऊपर ऊपर की जो लोकेशन है, डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल पड़ता है ना पौड़ी का, वो ऊपर पड़ता है, और नीचे आपको ये दिख पाएगा यहाँ से चले जाते हैं जो कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ के लिए यहाँ से लाइन जाती है, और यहाँ के पास ही है पुलिस चौकी, बस एक लोकेशन यहाँ से दूर है जो यहाँ का RTO ऑफिस है, यहाँ से थोड़ा दूर है, बाकी जो मेन मेन लोकेशन है ना पौड़ी की वो सब यहाँ के आसपास ही है। और काफ़ी अच्छा मन रखा है, नीचे की स्पेस कम है, ऊपर जो पार्किंग के लिए कार्स का वो स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये काफ़ी 20 साल बाद बन चुका है,
तो मुबारक हो पौड़ी वासियों को कि उनका फाइनली जो बस स्टैंड है वो 20 साल बाद बन चुका है। टीका है ना वहाँ पे, तो अभी यहाँ से हो रखा है पौड़ी का सनसेट। और ये चोटी पे एक बहुत ही प्लेस है प्यारी सी जहाँ लोग अक्सर घूमने जाते हैं। और फिलहाल हम आ रखे पौड़ी का एक बहुत ही फेमस रोड है टेका रोड। और टेका रोड में बहुत ही अच्छा लगता है घूमने के लिए जब भी आते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ी देर पे सनसेट होने वाला है तो यहाँ का जो सनसेट होता है वो बहुत ही कमाल आता है। यहाँ पे से गांव पड़ जाते हैं काफ़ी सारे, नीचे लोली गांव पड़ता है और लास्ट यहाँ से कालेश्वर गांव पड़ता है नीचे की साइड। और ये जो घाटी है इसको गंगारशु घाटी के नाम से बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे शाम का टाइम यहाँ के लोग अक्सर घूमने आते हैं और काफ़ी अच्छा और काफ़ी शुद्ध इन्वायरमेंट यहाँ पर लगता है फिलहाल। इसीलिए हम भी आ रखे काफ़ी दिन बाद आ रखे हैं, तो अभी हम आगे चलेंगे और यहाँ का सनसेट आपको दिखाएंगे। तो आगे चलते हैं। तो आज का दिन तो यहीं पे ख़त्म हो चुका है और अभी हो रहा है यहाँ पे एक खूबसूरत सा सनसेट।